गुड मॉर्निंग। कल हमने आपको क्वेश्चन 3 तक करवाए थे, एक्सपेंडेड फॉर्म और इक्विवेलेंट ऑफ एक्सपेंडेड नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आज हम करेंगे, फाइंड आउट द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 and 2 इन द फॉलोइंग नंबर्स। जो नंबर्स हमें दिए गए हैं उनमें 6 और 2 की प्लेस वैल्यू लिखनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28,506। तो प्लेस, सबसे पहले हम 6 की प्लेस वैल्यू लिखेंगे। प्लेस वैल्यू ऑफ 6 करके कितनी है प्लेस वैल्यू 6 की? 6। और अब इस 2 की प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 2 क्या होगी? 2 की प्लेस वैल्यू, अगर आपको ऐसे नहीं पता चलता है कि ये 20,000 है, तो आप इसको इस तरह से करके देखिए, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 10,000, यानी यहाँ पर 2 है, तो 2 का क्या हो जाएगा? 20,000, क्या हो जाएगा? 20,000, is that clear? अब आप देखिए इसको, इसको देख लो, ये 20,000 बना या नहीं बना। आप इसको क्या करेंगे, 1, 10, 100, 1000, 10,000, तो ये क्या हो गया, 10,000 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 20,000, क्या आएगा, 20,000। देन सेकंड क्वेश्चन, 36,265। अब इसमें देखिए 36,265 है, तो इसमें 6 के इस इनकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू लिखेंगे इस 6 की। आपके क्वेश्चन करने का तरीका यही है जो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं और इस तरीके से भी, दूसरा तरीका भी बता रही हूँ उससे भी कर लेना आप क्वेश्चन। देखिए प्लेस वैल्यू ऑफ 6, प्लेस वैल्यू ऑफ 202 की प्लेस वैल्यू और 6 की हो गई 6,000, 1, 10, 100,000, आया समझ में? प्लेस वैल्यू ऑफ 36,265, प्लेस वैल्यू ऑफ 6 की हो गई 60, क्योंकि यहाँ पर 6 किस पर है, 10th पे। फिर 2 की प्लेस वैल्यू होगी 200 एंड देन 6 की प्लेस वैल्यू होगी 6,000। इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। मैं आपके यहाँ पर होमवर्क के लिए इस क्वेश्चन के 2-3 क्वेश्चन और लिख रही हूँ, आप इसी तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वहां पर आप क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे, 52,226। फोर्थ क्वेश्चन है आपका 69,242 और फिफ्थ क्वेश्चन है आपका 82,563। आप इनको अपने होमवर्क की नोटबुक में करेंगे। 52,266, इनमें 6 की और 2 की, सभी दोनों 6 और दोनों 2 की प्लेस वैल्यू आएगी। 69,242 में इनकी प्लेस वैल्यू आएगी और 82,563 में 2 और 6 की प्लेस वैल्यू। आपका और इस तरह से आप करेंगे काम और मेरे को आप सैटरडे को नोटबुक लाकर चेक करवाएंगे। ओके, थैंक यू।